हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे ही चल रही है। नक्षत्र में एक ऐसा नक्षत्र है जिसकी वार्ता जितनी की जाए उतनी कम है। सर्वाधिक शक्तिशाली, उग्र, विध्वंसात्मक, अपने वचनों पे अड़िग मघा नक्षत्र। अगर मघा नक्षत्र अपने आप पे आ जाए तो रक्त की नदियां बह चलती हैं। मघा नक्षत्र अपने आप पे आ जाए तो पूरे राज्य, पूरे देश मिट जाते हैं। मघा नक्षत्र अपने आप पे आ जाए तो फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसा विध्वंस होता है। और मघा नक्षत्र अपने आप पे आ जाए तो फिर अर्जुन के बाणों में बैठ के दो अच्छोड़ी सेना का एक दिन में ही विनाश कर देता है मघा नक्षत्र। थोड़ा सा कठिन नक्षत्र है, थोड़ा सा इसके अंदर की जो शक्ति है ना वो अदम में है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। इनका नाम है टीकाराम डोभाल, देहरादून उत्तराखंड से। बड़ी अच्छी इन्होंने बात लिखी है कि अश्लेषा नक्षत्र यदि जकड़न का नक्षत्र है तो मघा उस जकड़न से मुक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र है, स्वतंत्रता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। आगे ये लिखते हैं, मघा नक्षत्र वह नक्षत्र है जो अश्लेषा नक्षत्र के सर्प जैसे मुंह को कुचलकर उसे पराजित कर राजसत्ता की स्थापना करता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, यहां से थोड़ी सी एक पंक्ति और उठाना चाहे ना तो उठा सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान बनने की ओर तभी अग्रसर होते हैं जब वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हैं। तो मघा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो आपको कालिया नाग पे नृत्य करने की कला प्रदान कर देगा, माने काल को भी वश में कर लेंगे आप, काल को वश में करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी, वो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र सिंह राशि में चलता है, सिंह राशि का आधार स्तंभ है, इसलिए इसका पराक्रम शेर जैसा होता है, शेर का मुख जैसा होता है। शेर की दहाड़ से क्या होता है, पूरा जंगल थर थर कांपने लगता है। तो उसी तरह जब ये लोग रण क्षेत्र में उतरते हैं तो इनकी तलवार का कोई सानी नहीं होता, ये झुकना नहीं जानते। मघा नक्षत्र में आपको पता है महान महान लोगों ने जन्म लिया है। हनुमान जी ने मघा नक्षत्र में जन्म लिया, ये हमें डोभाल जी ने बताया, इन्होंने उसके लिए प्रमाण भी भेजा रामायण से। तो जितने महान लोग, शक्तिशाली आत्माओं ने जन्म लिया उन्होंने मघा नक्षत्र में जन्म लिया। भीम ने मघा नक्षत्र में जन्म लिया। भीम के पीछे कथा यह है कि जब माता कुंती के हाथ से भीम छूटते हैं शेर की आवाज से, तो जिस चट्टान पे गिरते हैं उस चट्टान के दो टुकड़े हो जाते हैं, इतना शक्ति मघा नक्षत्र में है। तो भीम की गदा का कोई जोड़ नहीं था, भीम अपने पूरी शक्ति से महाभारत का रण लड़े भी नहीं, हनुमान जी ने कभी अपने शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे शक्ति का 10% ही लगाया और लंका पहुंच गए। 10% लगाया, संजीवनी बूटी ऐसे उखाड़ के ले आए। तो ये लोग अपने नक्षत्रों का, अपने बल का पूर्ण प्रयोग कभी कभी करते हैं, अधिकांश नहीं करते, लेकिन ये लोग जो अपने बल का प्रदर्शन करेंगे या बल का प्रयोग करेंगे तो इनके आगे कोई टिकेगा नहीं। जाति न जन्म भयो आल्हा को, धरती धसी अढ़ाई हाथ। मंगल का तेज मिलता है इसमें, सूर्य का तेज मिलता है, सूर्य से बलि कोई क्या है क्या। राजयोग कारक लग्न होती है सिंह लग्न, इसलिए मघा नक्षत्र वालों के अंदर शासन करने की प्रबल इच्छा होती है, मघा नक्षत्र के अंदर शक्ति होती है। अगर वो किसी को वचन दे दिया तो फिर अडिग हो जाएगा। इसके ऊपर जो इसके स्वामी केतु हैं, केतु मतलब पूर्व जन्म के संचित, अब पूर्व जन्म के संचित आपके साथ शक्तियां हैं, वो आपको राजसत्ताएं देंगी, वो आपको मौका देंगी कि आप अपने कला का प्रदर्शन कर सकें। देखिए, जीवन में आपको सही जगह अगर मिल जाए अपने कला का प्रदर्शन करना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस नक्षत्र वाले इतने अडिग क्यों हैं, इस नक्षत्र वाले इतने मारपीट करने में सिद्धस्त क्यों हैं, इस नक्षत्र वाले रक्तपात भी इनको बहुत अच्छा लगता है और ये कभी पराजित नहीं होते, मान सम्मान ये ले ही लेते हैं, सीधे से दोगे ठीक है, नहीं तो मार कर भी ले लेंगे, ठीक है ना, रिस्पेक्ट दोनों तरह से लेते हैं।
अब इसमें जो इसका कारण है वो कारण ये है कि सिंह लग्न है, सूर्य का लग्न है, और यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा के होने से ये सारी बातें नहीं होंगी। देखिए हम लोग बोल देते हैं, शास्त्रकार हमारे कहते हैं मघा नक्षत्रवती वीरयुक्ता, ठीक है ना, और ये अमरत्व प्राप्ति मोक्षस्य द्वारम, आपको अमरता प्रदान कर सकता है और मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। सिर्फ चंद्रमा के होने से ऐसा नहीं होगा। हाँ, चंद्रमा के होने से आपका मन मजबूत होगा, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन इस नक्षत्र में आपका लग्नेश भी हो तो आपके अंदर शक्ति बहुत होगी। मान लीजिए आपका सिंह लगन हो जाए और सिंह लगन में चंद्रमा हो जाए, सूर्य उपस्थित हो जाए, यहीं पे मंगल हो जाए, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। तब आप हनुमान जी हैं, तब आप बर्वरीक हैं, तब आप अभिमन्यु हैं, आपकी पराजय नहीं हो सकती। आपको पराजित करना है तो शत्रुओं को षड्यंत्र करना पड़ेगा, शत्रुओं को अपनी नियमावलियों को ध्वंस करना पड़ेगा। चक्रव्यूह में घुसा हुआ अभिमन्यु है, ये सबको पराजित करके रख देगा। अभिमन्यु को पराजित करना है तो अपने नियमावली को तोड़ना पड़ेगा, गुरुत्व को छोड़ना पड़ेगा, गुरु को गुरु तत्व से विमुख होना पड़ेगा, राक्षस तत्व को धारण करना पड़ेगा, आचार्य को आचार्य तत्व से विमुख होना पड़ेगा अगर इनको मारना है तो। ये बर्वरी जैसा है, इसका शीश दान लिया जा सकता है, मांगा जा सकता है, काटा नहीं जा सकता। शीश काटा नहीं जा सकता, दान में मांगा जा सकता है। तो ये आप कह सकते हैं बलि जैसा है, बलि को छल से हराया जा सकता है, ठीक है ना। भगवान विष्णु वामन रूप में गए, बोले तीन पग जमीन चाहिए छल से। बर्वरी के साथ क्या होता है, भगवान वहां भी छल करते हैं। अभिमन्यु के साथ क्या होता है, छल होता है। अब अगर इसके आपके ऊपर ईष्ट की कृपा हो जाए, जैसे हनुमान जी के ऊपर कृपा हो गई राम भगवान की, तो फिर आप छले नहीं जाएंगे। जब तक ईष्ट की कृपा नहीं होगी तो आप छले जा सकते हैं। तो इसलिए मघा नक्षत्र अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र इसलिए है क्योंकि इसके इनके सामने परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती हैं, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अश्लेषा का जो सर्प, अश्लेषा सर्प है, उसके फनों को कुचलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। ये पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां हैं या पारिवारिक सामाजिक दबाव है, उन दबावों से निखर कर बाहर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोयले के खदान में ये पड़ा हुआ हीरा है, दबाव से दबते दबते फिर एक दिन निखर जाता है। ये धरती के नीचे का ज्वालामुखी है, दबाव सहते सहते एक दिन फट जाता है, तो फिर यत्र तत्र सर्वत्र त्राहि त्राहि मस्ती है। इसलिए मघा नक्षत्र के जातक अडिग होते हैं, साहसी होते हैं, साहसी नहीं दुस्साहसी होते हैं आप कह सकते हैं, किसी से डरते नहीं, वो हजारों हजारों की भीड़ में अकेले घुस जाएंगे। अब ये चारों चरण में नहीं होगा। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे जो शास्त्रकार कहते हैं, उन्होंने एक लाइन कह दिया, हमें कहां लगाना है ये ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही पंक्ति को हर जगह लगाने लगते हैं, ठीक है ना, वहां पे परेशानी आती है। जैसे कार्को भावनाशा में हर लगन में नहीं बनता, ठीक है ना, और स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, ये हर लगन के लिए नहीं है, विशेष जगह के लिए है। जब राशि परिवर्तन शनि और गुरु कर रहे हों, जीव स्थाने यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, तब के लिए है। उसी तरह मघा नक्षत्र में भी आपको देखना पड़ेगा। मघा नक्षत्र में अब आपका पराक्रम भाव का स्वामी सुग्रही है, लगन का स्वामी सुग्रही है, दशमेश आपका सुग्रही है, तो आपका पराक्रम अतुलनीय होगा। भीम जैसा पराक्रम होगा, अर्जुन जैसा पराक्रम होगा, कर्ण जैसा पराक्रम होगा, भीष्म जैसा पराक्रम होगा, फिर आपके पराक्रम की कोई तोड़ नहीं होगी। वहीं पे सिर्फ आपका लग्न है तो आपका शरीर मजबूत होगा, लेकिन मन पे चतुर्थ पे कोई पाप प्रभाव आ गया या चतुर्थेश पाप प्रभाव में आ गया, तो कुछ लोग तो बड़े 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 शरीर के होते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन सामने जब शत्रु आता है तो रण छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा वास्तव में ये स्थितियां कहां कन्वर्ट होती हैं। तो ये स्थितियां मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में कन्वर्ट होंगी। प्रथम चरण में क्यों कन्वर्ट होंगी, उसके पीछे जो कारण है वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, मघा नक्षत्र स्वामी हो गए, केतु, केतु किसी से डरता नहीं, ध्वंसात्मक है, अच्छे अच्छों को उड़ा देता है, धूम केतु जैसा जब चलता है तो बड़े बड़े बवंडर, बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े क्षेत्र खाली हो जाते हैं। अब ये सूर्य की सिंह राशि में है, सूर्य का अपना घर है, तो वहां पे सूर्य इसको शक्ति प्रदान कर देता है। नक्षत्र राशि स्वामी सूर्य है, अतः सूर्य की शक्ति लेके चलेगा। आपके शासन में, शासन काल में कार्य कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। इसकी जो शक्ति है
त्यागी से पानी शक्ति मुक्त कर देना, जिस चीज से चाहेगा मुक्त कर देगा। अगर चाहे कि शत्रुओं से मुक्ति देश को दिलाना, शत्रुओं से मुक्ति गरीबी से मुक्ति दिलाना है, गरीबी से मुक्ति, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा को, जो शुक्र है दशम भाव में, शुक्र दशम भाव में है और वो मघा नक्षत्र में ही है, इसीलिए क्या है वो गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, वो गंदगी से मुक्ति चाहते हैं, महिलाओं के विकास की बात करना चाहते हैं, उसका कारण यही है। यहाँ पे सूर्य की रश्मि मिलेगी आपको, मंगल का नवांसा मिलेगा। मंगल में किसका नवांसा मिलेगा, मेष का नवांसा। मंगल की दो राशि है, एक मेष एक वृश्चिक, तो मेष टोटल अग्नि तत्व राशि है, वृश्चिक जो है उसमें जल तत्व आ जाता है, वृश्चिक समझौतावादी है, लेकिन मेष समझौतावादी नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ता है। मेष कभी पीठ पीछे से वार करने में यकीन नहीं रखता, वृश्चिक पीठ पीछे से वार कर सकती है, वो साम दाम दंड भय भेद सब कुछ लगाती है, लेकिन ये सिर्फ अपने तलवार, राणा प्रताप जैसे हैं, दो तलवार लेके चलते हैं, दुश्मन हार गया तो एक तलवार उसको दे देते हैं, ले तलवार से युद्ध कर, उसके बाद तुझे मारूंगा, मारूंगा तो तुझे मरना मेरे हाथों से है, लेकिन लड़ के मरे यार। वीर गति को प्राप्त हो, कायर की मृत्यु ना प्राप्त कर, वीर गति प्राप्त कर, ऐसी स्थितियां इनके सामने क्रिएट होती हैं। उसके पीछे जो कारण है, पारिवारिक सामाजिक उत्तरदायित्व या पारिवारिक सामाजिक जो स्थिति बनती है वो इनको चमका देती है। सोना जितना गलेगा, सोना जितना आग में तपेगा उतना ही उज्ज्वल होगा, उतना ही कुंदन बनेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां विपरीत नहीं होती वो व्यक्ति महान नहीं बनता। अगर पांडव महान बने तो इसीलिए बने कि उनके जीवन में परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, उनको वनवास हुआ तो उनके कल्याण के लिए हुआ। चंद्रगुप्त महान बने, चंद्रगुप्त इसलिए महान बने कि चंद्रगुप्त को हैंड टू माउथ से स्टार्ट करके राजसत्ता तक जाना था, तो महान वैसे ही लोग होते हैं। नहीं बकाया जिनके घर में दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, वो देखो कैसे बात करता है, बात करने की तमीज भी नहीं होती। तो जो संघर्ष करेगा वही निकलेगा। तो यहाँ पे अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, और उस संघर्ष ही आपके लिए सफलता की सीढ़ियां बनेंगी, आपको वो अनुभव देंगे जिससे आप सफल होंगे। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि रक्तपात इनको क्यों अच्छा लगता है, इतने अडिक क्यों होते हैं, तो उसमें मेन जो कारण है वो सूर्य की एनर्जी अग्नि तत्व आग आ गया, और उसमें मघा की त्यागी से पानी शक्ति और केतु का प्रभाव। अब सब गरम गरम आ रहे हैं, सब विध्वंस करने वाले आ रहे हैं, कहीं कोई समझौता करने वाला नहीं है। बचा खुचा क्या है, बचा खुचा सेनापति मंगल अपनी पूरी शक्ति के साथ उपस्थित हो जाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में इसी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है, इसी नक्षत्र में सूर्य है और इसी नक्षत्र में मंगल आ गया, तो आप किसी को रोके नहीं रुकेंगे, आप दुनिया में दुनिया को विजय कर लेंगे, क्यों आपको रोक ही नहीं सकता। हाँ, यहीं पे अगर केतु आ गया तो आप विध्वंसात्मक हो जाएंगे, फिर आप क्या है लोगों के रक्त बहाने में आपको मजा आने लगेगा। यहीं पे अगर राहु आ गया तो फिर ऐसे लोगों को छोटा छोटा काट के टांग देते हैं, उनको मजा आता है लोगों का रक्त बहाने में। ये स्थितियां तब क्रिएट होती है जब यहाँ राहु इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे केतु इन्वॉल्व होगा, और यहाँ का जो स्वामी है सूर्य वो पाप प्रभाव में जाएगा। जब तक पाप प्रभाव में नहीं जाएगा तो शत्रुओं को मृत्यु भी जो देते हैं ना सम्मान के दृष्टि से देते हैं। शत्रुता तब तक है जब तक जिंदा है, मरने के बाद उससे शत्रुता नहीं है, उसके शव को भी कफन देते हैं और दफन करते हैं। तो मघा नक्षत्र बहुत विशिष्ट नक्षत्र है। अगर मघा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो पहचानिए आपका लग्नेश क्या कहता है, लग्न कहाँ है, आपके मघा नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं, कौन से ग्रह बैठे हैं, और वो किन किन भावों का आधिपत्य लेके बैठे हैं। मघा नक्षत्र से आप अपने पूर्व जन्म से संबंधित चीजों को इस जन्म में कनेक्ट करके जान सकते हैं। दरअसल आप पैदा किस लिए हुए हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि मघा नक्षत्र वालों को रक्तपात क्यों अच्छा लगता है। तो रक्तपात चारों चरणों में नहीं आएगा, मघा नक्षत्र को रक्तपात प्रथम चरण में आएगा, द्वितीय चरण में मंगल यहाँ पे जो लोग होंगे मघा वाले फिर भोगात्मक हो जाते हैं, इनके अंदर मुगलकालीन जो शासक होते हैं उस तरह की स्थिति आ जाती है, कुछ पृथ्वीराज का गुणा आ जाता है। ये ज्यादातर फिर क्या होता है, शुक्र से संबंधित चीजें इनके जीवन में आती हैं, उसी के लिए युद्ध करते हैं, विलासिता के लिए युद्ध करते हैं। तृतीय चरण में जब आप जाएंगे तो फिर ये व्यापार के लिए युद्ध करते हैं, अपने फायदे के लिए अपने लाभ के लिए युद्ध करते हुए पाए जाते हैं। और चतुर्थ चरण में जाते हैं तो धर्म के लिए, अपने धर्म को प्रभाव बढ़ाने के लिए, धार्मिक चीजों का दूसरे लोगों को माने उसका अनुपालन करने के लिए कि आप भी हमारे धर्म को मानो।
तो ये अशोक जैसे हो जाते हैं जो अपने धर्म का प्रचार जाके श्रीलंका तक में करते हैं, लेकिन ये चतुर्थ चरण में आएगा। तो प्रत्येक चरण की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन मघा नक्षत्र चूंकि सर्प के जकड़न से मुक्त हुआ है, और कोई चीज जब मुक्त होती है तो बहुत गति से भागती है। किसी को मुक्त होते हुए देखिए, कभी शेर के जबड़े से कोई शिकार निकलते हुए देखिए, कभी कुत्ता आपके पीछे भाग जाए तो अपनी स्पीड देखिए। मघा नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है। चलिए फिर वार्ता करेंगे मघा पे ही, तब तक आपके लिए राधे राधे।